एंडी थोड़ा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल हम पहुंच गए पानीपत से सटे हुए गांव सुताना में, और सुताना में भाई एक अजीब किस्म का मामला जो है, एक दर्दनाक मामला जो है वो सामने आया है कि एक पिता जिसकी कुछ ही दिनों में दो लड़कियों की शादी होने वाली थी, और वो पिता भाई अपनी फसल बेचकर, अपने पशु बेचकर कुछ पैसे ले गए, 5,80,000 के समथिंग बताए गए हैं। तो वो बैंक में गया था घर से, अब मैं पैसे जमा करा के आऊंगा, लेकिन घर वालों का कहना है कि ना तो वो बैंक में पहुंचा और ना ही घर वापिस आया। आज उसको 7-8 दिन के करीब हो गए हैं गायब हुए। उस भाई का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। नाम था विनोद, और भाई गांव में बताया गया है कि उसको मोबाइल की दुकान भी कर रहा था और बहुत ही अच्छा लड़का था। फिलहाल हम विनोद के मकान पर आए हैं और यहाँ उसके परिजनों से मिलेंगे। भाई गांव राम के भी आदमी इकट्ठे हुए हैं, गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनसे भी पूछेंगे उसका भाई भी, उसके घर का सदस्य कौन सा है जी पहले। अच्छा तो भाई कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा इधर फोकस करना भाई। राम राम जी। राम राम जी। तो भाई साहब विनोद कैसा लड़का था? उसमें कोई अभी नहीं था जी, किसी किस्म का बीड़ी का शराबा कोई नहीं था। अच्छा क्या काम करता था? मोबाइल का काम करता था, दुकान कर रहा था। पहले किसी के साथ कुछ क्या सुनी थी? कभी लड़ाई झगड़ा किसी के साथ होया होगा? किसी के साथ नहीं आज लग रहा है। बाहर किसी के साथ होया होगा? बाहर का नहीं पता जी हमको। अच्छा हाँ। तो कब की घटना है ये, जब विनोद घर से गया है? ये 16 तारीख की है जी। 16 तारीख ये 16 गई अभी है शनिवार की। तो कहाँ गया था विनोद? बैंक में गया था जी, इसमें जटल एक्सिस बैंक में पैसे जमा कराने के लिए। कितने पैसे थे? 5,80,000। 5,80,000 रुपये थोड़े नहीं होंगे भाई, 5,80,000। ये किसान का बालक है और किसाना की दुर्दशा आप जानो हो भाई। फसल अच्छी हो जाए तो 10 रुपये की मजदूरी बेचारे के पल्ला पड़ जाए, और ना हो तो भाई घाटे में गाड़ी चली जाए। वो बेचारा अपनी फसल के पैसे लेकर के भाई, उसकी दो लड़कियों की शादी भी बताया गया थी। हाँ जी, हाँ जी, दो लड़कियों की शादी थी जी। अभी नजदीक थी शादी? अभी इतनी नगवाद थी जी। अच्छा, तो भाई एक पिता यही सोचता है कि भाई बेटियां जवान होगी उनकी शादी करनी है, और वो पैसे भाई कुछ पशु बेच करके, कुछ उसकी फसल के थे वो इकट्ठे करके जो है बैंक में जमा कराने के लिए कहा था। भाई लड़कियों की शादी करनी है, दो लड़कियां जो है उसकी जवान हो रही है, रिश्ता भी कर रखा है, यही है ना जी? हाँ जी। लेकिन भाई पता नहीं किसकी नजर लगी इस हस्ते खेलते परिवार को, जो वो भाई बैंक तक भी नहीं पहुंचा। जो बताया गया परिजनों ने जैसा बताया है कि भाई वो बैंक में गया था लेकिन बैंक तक नहीं पहुंचा। फिर आपको कैसे पता चला जी गायब हो गया? हम श्याम को फोन करा जी हमने, उसका फोन भी स्विच ऑफ पा जी। फिर अच्छा 3:50 में कुछ ऐसे पा बंद पा जी। फिर हमने रिश्तेदारियों में बिटवा जी सारों को। फिर हमारा इतने बिटोने चले गए जी गांव के सारे जी, रिश्तेदार भी गांव भी सारे चले गया था जी टोने के लिए। अच्छा। नहीं मिला जी हमने, मोटरसाइकिल बाइक मिली उसकी वहां पुलिस नीचे उतर दिया ना बाईपास से, वहां खड़ी मिली। कहाँ? शिवा, शिवा बाईपास। लेकिन बैंक तो बताया गया जटल था। हाँ जटल था जी, वहां बैंक में नहीं गया जी। तो भैया देखो बड़ा विचित्र मामला है कि बंदा घर से जाता है बैंक के लिए और उसकी मोटरसाइकिल जो है बरामद होती है पार्क हॉस्पिटल के सामने से, और अब या तो विनोद ही जानता है क्या हो गया, अब या तो विनोद ही जानता है भाई उसके साथ क्या घटना घट रही है, कहाँ विनोद है। हम तो परमात्मा से यही दुआ करेंगे भाई वो सही सलामत अच्छी तरह से अपने परिवार के पास आ जाए। और भाई आजकल जो आप देख रहे हो जुर्म जो है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपको किसी पर शक है? नहीं जी, किसी पर शक नहीं है जी। आप क्या लगते हो विनोद के? पिताजी हैं जी विनोद के। आप पिताजी हो? हाँ जी। तो भाई देखो पिताजी ने बताया बहुत अच्छा लड़का था। फिलहाल गांव राम के भी गणमान्य व्यक्ति मौजूद है, इनसे भी पूछेंगे। तो राम राम भाई साहब। राम राम जी। कैसा लड़का था विनोद? अच्छा लड़का जी, कोई ऐब नहीं था किसी प्रकार का भी, किसी द्वारा उठना बैठना भी कम ही था उसका। दुकान पर अपना काम था, काम मतलब अपने काम से काम ही रखता था, काम रखता था। राम राम जी। राम राम जी। कैसा लड़का था विनोद? बहुत ही बढ़िया लड़का था जी, कोई किसी प्रकार का है उसकी कोई ऐब नहीं था जी, ना किसी तक कोई रंजिश थी जी। वो अपना खेत का भी काम कर लेता,
और मोबाइल का भी काम कर लेता। अच्छा, तो बढ़िया लेन देन था जी उसका, ठीक लड़का था, मतलब व्यवहारिक आदमी भी था और भाई वैसे भी अच्छा था, बहुत बढ़िया भाई। देखो अच्छा इंसान था और बहुत ही बढ़िया इंसान था, लेकिन प्रशासन से अनुरोध करेंगे भाई उस बंदे को धरती खा गई, आसमान निकल गया। अभी परिजनों का कहना है कि भाई 16 तारीख से जो हमारा बेटा जो है वो गायब है और पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो भाई बड़े शर्म की बात है। एक परिवार का एक लाल जो है वो गायब हो जाता है और प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। तो हाथ जोड़कर अपील करेंगे आप लोगों से भाई, इस परिवार का लाल जहां भी है आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको ढूंढ करके इस परिवार को सौंप दिया जाए। तो और क्या कुछ कहना चाहोगे जी? ताऊ राम राम। शरीफ लड़का है जी, जी वो किसी दबाव नहीं थी। अच्छा जी, कल आप बताया गया एसपी ऑफिस में गए थे, तो वहां क्या आश्वासन दिया गया आप लोगों को? वहां तो दूसरे में केस ट्रांसफर कर दिया जी ने। आगे आ जाओ जी आप। हाँ जी, वहां से केस सीआईएवन में कर दिया जी। अच्छा, तो मतलब एसपी साहब ने कुछ संतोषजनक जवाब तो दिया होगा आप लोगों को, कुछ कहा तो होगा भाई हम दो दिन में चार दिन में ढूंढगा, मतलब आश्वासन तो दिया जी, हम टोएंगे, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर वो केस हमने वहां पर दर्ज कराया ना जी सीआईएवन में। अच्छा, सीआईएवन को केस सौंप दिया जी। आपको किसी पर भी अगर देखो आपके मन में किसी पर शक है तो वो बता देना चाहिए, क्योंकि ये एक व्यक्ति की जिंदगी का सवाल है। अगर किसी पर गांव में बाहर के रिश्तेदारी में किसी पर भी अगर आपको डाउट है तो वो खुल कर बताओ भाई। है कोई डाउट नहीं जी, किसी के साथ कोई दुश्मनी थी नहीं थी इनकी जी, बिल्कुल साधारण आदमी था, साधारण व्यक्ति था, हमारे कला अस्पताल भी रहे, बहुत अच्छा लड़का था, बढ़िया जीवन व्यतीत कर रहे थे जी। तो अचानक ये बस भगवान जाने क्या कहानी हुई, अचानक ही आई दुर्घटना जो भी आई। ऐसा तो नहीं कहीं विनोद को किसी के पैसे देने हो? नहीं नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं जी, कोई पैसा नहीं देना किसी का हमने जी। अच्छा, हाँ जी। तो भाई इस परिवार की सुनाई होनी चाहिए और भाई उच्च अधिकारियों से भी अपील करेंगे कि अगर पुलिस जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे तो हो सकता है इस परिवार का बेटा, इस पिता का बेटा इसके पास वापिस आ जा। तो आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो, उस विनोद को ढूंढ करके इस परिवार को सौंपो भाई, और भगवान से यही दुआ करते हैं कि भाई इस परिवार का बच्चा जो है वो सही सलामत हो और सुतरी डाल अपने घर पर आ जा। फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपसे विदा लेंगे, इस वीडियो ने लाइक कर दियो जरूर, शेयर का तार दियो फतूर ताकि वीडियो पहुंच जा दूर दूर। और भाई फोटो मंगा था जी मैंने, फोटो दिखाना एक बार भाई, हम आपको फोटो भी दिखा रहे हैं, अगर यू भाई आपने कहीं दिखे तो नंबर भी बतवाऊंगे किस नंबर पर कॉल करनी है, हो सकता है भाई कहीं आपकी नजरा में चढ़ जा तो एक बार कॉल करने का कष्ट करियो। इस फोटो को ध्यान से देख लो भाई, यू वो फोटो है, यू वो भाई है जो विनोद लापता होया है, अगर आपको ये कहीं दिखाई देता है तो कहां गया देखिए एक बार, अगर ये आपको कहीं दिखाई दे तो मैं भाई से कहूंगा एक बार अपना मोबाइल नंबर बोल दे भाई, आइए एक बार, तो ये देख लो भाई, इधर आ जाना सामने ही आ जा, मोबाइल नंबर बोल दे किस नंबर।